चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में आज अचानक सैकड़ों लोग पहुंच गए। ये लोग अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इससे एक बार की पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। अचानक पुलिसकर्मी भी पहुंचे। पुलिसकर्मी कुछ कदम उठाते इससे पहले ही किसान कलेक्ट्रेट तिराहा पहुंच गए और मानव श्रृंखला बनाकर विजयपुर तालाब को कथित रूप से खाली कराने के प्रति नाराज़गी जताई। इससे कलेक्ट्रेट पर तीनों ही ओर वाहनों की कतारें लग गई। बाद में नारेबाजी के साथ करीब 30 गांव के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और आपसी चंदा करके के उस तालाब के उस पाल को क्षेत्र को मरम्मत किया। उसके बाद में अभी कुछ दिनों पहले कुछ लोग फर्जी किसान बनकर के विजयपुर के अंदर ये धरना दे रहे हैं। वो लोग ये चाह रहे हैं कि तालाब की पाल को वापिस फोड़ी जाए। अगर उस पाल का जो पानी तालाब का पानी अगर बाहर निकालते हैं तो व्यर्थ में नाले में फेंके जाएगा। पानी भरे रहने से और इनकी रोजी रोटी जो है गेहूं मक्की जो है उस खेती से पैदा हो रही है। हमारी मांग है कि पाल की यथावत रखा जाए तालाब को। फिलहाल इस संबंध में एडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन उनकी मांग पर क्या कदम उठाता है। रत्नेश दमामी, न्यूज RJ09, चित्तौड़गढ़।